भंवर पाटिल को अपने महल से निकालने के बाद भानु प्रताप सिंह वापस सिया के कमरे में आ गया। लेकिन जब उसने वापस आकर देखा तो सिया इस वक्त उस कमरे में नहीं थी। सिया को वहां ना पाकर भानु प्रताप सिंह परेशान हो गया और रानी सा चिल्लाते हुए पूरे महल में सिया को ढूंढने लगा। तभी भानु प्रताप सिंह का एक नौकर दौड़ता हुआ उसके पास आया और चिल्लाते हुए बोला, हुकुम सा। गजब हो गया वो। रानी सा ने बड़ी रानी के कमरे का ताला खोल दिया और वो उस कमरे के अंदर भी चली गई। महल के उस नौकर की बात सुनते ही भानु प्रताप सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या ये क्या बोल रहा है तू? रानी सा बड़ी रानी के कमरे में है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। रानी सा को उस कमरे के अंदर नहीं जाना चाहिए था। अगर गलती से उन्हें हमारे राज के बारे में पता चल गया तो? नहीं, हम अपना सालों पुराना अतीत ऐसे अचानक रानी सा के सामने नहीं आने दे सकते। हमें उन्हें रोकना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इतना कहकर भानु प्रताप सिंह दौड़ता हुआ अपने महल के उसी कमरे के सामने पहुंचा जहां एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। भानु प्रताप सिंह ने जैसे ही उस कमरे के दरवाजे को खुला देखा, वो दौड़ता हुआ बिना कुछ सोचे समझे उस कमरे के अंदर घुस गया और अंदर घुसते ही ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, रानी सा कहां है आप? भानु प्रताप सिंह के इतना चिल्लाने पर भी जब सिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो भानु प्रताप सिंह उस कमरे के एक अंधेरे कोने में पहुंचा जहां खड़ी होकर सिया दीवार पर लगी किसी की तस्वीर को निहार रही थी। तभी भानु प्रताप सिया के पीछे खड़ा होकर बोला, क्या हुआ रानी सा, आप यहां इस कमरे में क्या कर रही हैं? भानु प्रताप सिंह के इतना कहते ही सिया ने सामने की दीवार पर लगी तस्वीर की तरफ अपनी उंगली का इशारा करते हुए कहा, ये कौन है? क्या ये मैं हूँ? लेकिन ये मेरी तस्वीर तो नहीं दिख रही। ये कैसे पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं मैंने, और आपकी बगल में ये दूसरी औरत कौन है? सिया की बात सुनते ही भानु प्रताप सिंह के माथे पर पसीना आ गया और उसने अपने पसीने को पोंछते हुए सिया से कहा, रानी सा, हम आपको इस तस्वीर के बारे में सब कुछ बताएंगे, पहले आप यहां से निकलिए। देखिए यहां कितना अंधेरा है और ये कमरा काफी दिनों से बंद पड़ा है, यहां कोई जानवर भी हो सकता है, इसलिए प्लीज रानी सा चलिए यहां से। भानु प्रताप सिंह का कहना मानकर सिया ने अपनी नजरें उस तस्वीर से हटाई और भानु प्रताप सिंह के पीछे पीछे उस कमरे से बाहर जाने को तैयार हो गई। सिया उस कमरे से निकलने ही वाली थी तभी उसे पीछे से किसी औरत के कराहने की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही सिया पीछे मुड़ी और उस कमरे में इधर उधर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिया को कमरे की छानबीन करते देख भानु प्रताप सिंह ने सिया से कहा, अरे रानी सा क्या कर रही है आप? चलिए ना, क्या हुआ, पीछे मुड़कर क्या देख रही है आप? भानु प्रताप सिंह की बात का जवाब देते हुए सिया ने कहा, मैंने अभी अभी यहां किसी की आवाज सुनी, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत दर्द से कराह रही है, आपने नहीं सुना? सिया की बात सुनते ही भानु प्रताप सिंह ने झट से बोला, नहीं रानी सा, हमने तो किसी की आवाज नहीं सुनी, वैसे भी हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है तो फिर आवाज किसकी आएगी, हो सकता है किसी जानवर की होगी। भानु प्रताप सिंह की बात सुनते ही सिया ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं वो आवाज किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी औरत की थी, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत दर्द से कराह रही हो। सिया की बात सुनकर भानु प्रताप सिंह ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे नहीं रानी सा, कैसी बात कर रही हैं आप, किसी औरत की आवाज यहां से कैसे आएगी, ये कमरा तो कितने सालों से बंद पड़ा है और इस कमरे में तो क्या हमारे पूरे महल में कहीं कोई औरत नहीं है, तो फिर यहां कैसे कोई औरत आएगी, जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। भानु प्रताप सिंह की बात मानकर सिया एक बार फिर भानु प्रताप के साथ उस कमरे से बाहर जाने को तैयार हो गई, लेकिन अभी भी सिया बार बार पीछे मुड़कर किसी को ढूंढ रही थी। सिया को बार बार पीछे मुड़कर देखता देख भानु प्रताप सिंह ने अपने आप से कहा, कहीं रानी सा को पता तो नहीं चल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद हमने बात को संभाल लिया है, हमें नहीं लगता कि अब रानी सा दोबारा उस कमरे में जाएंगी, और अगर जाएंगी तो हम ऐसा इंतजाम करेंगे जिससे रानी सा को हमारा सच कभी पता नहीं चल पाएगा। उस कमरे से निकलकर सिया भानु प्रताप सिंह के साथ अपने कमरे में आ गई, लेकिन अपने कमरे में आते ही सिया ने भानु प्रताप सिंह से कहा, मुझे कुछ देर के लिए अकेले रहना है, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? सिया की बात सुनते ही भानु प्रताप सिंह ने अपनी गर्दन सिया के आगे झुकाते हुए कहा,
हाँ रानीसा, क्यों नहीं, अगर आप अकेली रहना चाहती हैं तो ठीक है, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। हाँ लेकिन अपना ख्याल रखना प्लीज, और ज्यादा सोचना मत वरना आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर सिया ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसकी हाँ सुनकर भानु प्रताप सिंह उस कमरे से चला गया, लेकिन अभी भी सिया के दिमाग में लाखों सवाल चल रहे थे। भानु प्रताप सिंह के जाते ही सिया ने बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुकुमसा के साथ मेरी तस्वीर इतनी धुंधली क्यों है। उस तस्वीर को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो आज की नहीं बल्कि सालों पुरानी है, और वो आवाज किसी जानवर की नहीं हो सकती, वो आवाज किसी औरत की ही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह हुकुम भानु प्रताप सिंह मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन आखिर क्या। फिर सिया ने कुछ सोचते हुए अपने बालों को नोचकर अपने आप से कहा, आखिर कौन है यह भानु प्रताप सिंह, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। जितना भी याद करने की कोशिश कर रही हूं, मुझे इस भानु प्रताप का चेहरा कहीं नजर नहीं आता, बल्कि जो चेहरा मुझे नजर आता है वो किसी और का चेहरा है। आखिर कौन है वो जिसको मैं अपनी आंखें बंद करके महसूस कर पाती हूँ, आखिर कौन है वो और कहाँ है। इधर राघव इंस्पेक्टर विनय यादव की मार खाकर दर्द में कराहते हुए भी सिया को याद कर रहा था, और सिया को याद करते हुए राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। नम आंखों से राघव ने सिया को याद करते हुए अपने आप से कहा, कहाँ हो तुम सिया, कितने दिन हो गए, मैंने तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनी है, पता नहीं तुम कहाँ हो, आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। सिया, काश तुम्हारी एक झलक देखने को मिल जाए। राघव ने जैसे ही सिया को याद किया, वैसे ही सिया के दिल की धड़कन बढ़ने लगी, उसके सीने में एक अजीब सी बेताबी बढ़ने लगी, और वो अपने सीने पर हाथ रखकर अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहने लगी, ये मुझे क्या हो रहा है, अचानक मेरे दिल की धड़कनें इतनी क्यों बढ़ गई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा अपना मुझे बहुत याद कर रहा है। यही सब सोचते हुए सिया ने भगवान के आगे हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, हे भगवान प्लीज मुझे बता दीजिए कि मैं कौन हूँ, और कौन है वो जो मुझे ऐसे याद कर रहा है, कौन है जिसके लिए मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, आखिर कौन है वो जिसे मैं महसूस कर पा रही हूँ, प्लीज बता दीजिए भगवान, प्लीज वो जो कोई भी है मुझे उससे जल्दी से जल्दी मिला दीजिए। क्या भगवान सिया की विनती सुनकर सिया और राघव को मिला देगा? क्या सिया की याददाश्त वापस आ जाएगी? आखिर उस कमरे के अंदर ऐसा कौन सा सच है जिसे भानु प्रताप सिंह सबसे छुपा रहा है? क्या होने वाला है आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम।